वहीं लखनऊ से बड़ी खबर है, भारतीय किसान यूनियन का विरोध प्रदर्शन, किसान भवन नौबस्ता कला पर प्रदर्शन चल रहा है। किसानों का कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है किसानों ने। आलोक सिंह के नेतृत्व में प्रतियां जलाई जाएंगी। पुलिस का किसान भवन के बाहर कड़ा पहरा, किसान नेता से प्रतियां ना जलाने की अपील की है पुलिस ने। चिन्हज के नौबस्ता कला में किसान भवन पर प्रदर्शन किसानों का होगा, जिसको लेकर पुलिस ने अपील की है किसानों से कि वो प्रदर्शन ना करें, कृषि कानूनों की प्रतियां ना जलाएं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। शिवा हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शिवा, किसान यूनियन के नेताओं ने एक बार फिर से चेतावनी दी है कि आज वो किसान कृषि कानूनों की प्रतियां जलाएंगे और विरोध दर्ज करेंगे एक बार फिर, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए अदिति, अभी कुछ ही देर पहले चिन्हट के नौबस्ता कला गांव में किसान भवन के बाहर किसान नेताओं ने 3 प्रतियां कृषि कानून की जो थी उसको जलाने का प्रयास किया था। हालांकि पुलिस जो बल यहां पर मौजूद था उन्होंने इस विरोध प्रदर्शन को पूरी तरीके नाकाम कर दिया है और उन्होंने प्रतियां छीन करके पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है। हालांकि जो तमाम किसान नेता हैं, जो 2 दर्जन से ज्यादा लोग हैं किसान हैं, उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि वो कृषि कानून के साथ साथ जो सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी का भी विरोध करते हैं, क्योंकि सरकार के उसमें लोग हैं और ऐसे में तमाम लोग अपना फायदा ढूंढ रहे हैं और इसी के मद्देनजर वो तमाम तरीके के विरोध प्रदर्शन इसी तरीके से कर रहे हैं। और उन्होंने ऐलान किया है कि आने वाले 23 जनवरी को लखनऊ के राजभवन का घेराव करेंगे। जो तमाम किसान हैं और जो किसान नेता है, जो अलग अलग गुट है, वो एक साथ मिलकर के इस कृषि कानून का पूरी तरीके से विरोध करेंगे। लेकिन अभी जिस तरीके उन्होंने सुबह से रणनीति बनाई थी कि वो किसान भवन के बाहर प्रतियां जला करके वो अपना विरोध दर्ज कराएंगे, उसको पुलिस प्रशासन के पूरे महकमे ने फेल कर दिया है और तमाम जो प्रतियां थी उनके पास जिसको जलाने का वो प्रयास कर रहे थे, जिन्होंने रणनीति बनाई थी, उसको छीन करके पुलिस ने अपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि अब आंदोलन जो है वो थम सकता है किसानों का, लेकिन ये और अधिक उग्र होता नजर आ रहा है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका शिवा।